एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभो, मैं आपके श्री मुखारविंद से पुरुषोत्तम माह अधिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास में जो एकादशी आती है उसे पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम के साथ साथ पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यही कथा एक बार श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शोनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। ऋषि ने कहा था कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में, यानी वर्तमान में जो महेश्वर है, वहां पर राज्य किया करता था। उस राजा की 1,000 परम प्रिय पत्नियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सारे प्रयास उनके असफल हो गए। किसी भी प्रयास से उनके घर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब राजा ने कठोर तप करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, उसका नाम पद्मिनी था, और राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसि वेश को त्याग करके और तपस्वी वेश में गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल गए। दोनों पति पत्नी एक साथ तप करने के लिए जंगल में निकल गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु फिर भी उनके यहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से एक बार सती अनुसुईया जी ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे साधारण भाषा में अधिक मास या मल मास कहते हैं, जो 32 महीनों के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त जो पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका तुम विधि विधान से जागरण करके व्रत करो तो निश्चय ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और तुमको शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अनुसुईया जी के बताए अनुसार विधि विधान से किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात्रि जागरण करती रही और इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर में कार्तवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बलवान था और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी शक्तिशाली या बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी और में नहीं था। तो इस प्रकार कहा गया है कि जिन मनुष्यों ने मलमास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है और संपूर्ण कथा का श्रवण किया है, वे सभी यश के भागी होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को, परम पद को प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम मास की जो कमला एकादशी होती है उसकी एक और दूसरी कथा आती है। उस कथा के अनुसार उज्जिनी नगरी, यानी वर्तमान में उज्जैन अवंतिका नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर के पाप मार्ग की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिता और बंधु बांधव अत्यंत दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के पश्चात माता पिता ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया और वह वन में चला गया। घूमते घूमते एक दिन वह तीर्थराज प्रयागराज जा पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल उसने
सबसे पहले त्रिवेणी में स्नान किया और निकट में हरि मित्र मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों को नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनाई जा रही थी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया। मुनियों के आश्रम में ही उसने व्रत किया और जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो भगवती श्री महालक्ष्मी उसके पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुमने कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव को प्राप्त किया है और इस एकादशी व्रत करने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और देवाधिदेव भगवान श्री नारायण की आज्ञा से परम वैकुंठ से मैं तुम्हें वर देने को आई हूं। जय शर्मा ने कहा कि हे माता लक्ष्मी जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी ने उन ब्राह्मण से कहा कि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म का श्रवण करता है, वह समस्त महापातकों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साथ ही यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त है तो अभी और इसी समय हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।